एनएचआरसी ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। प्रियंका गांधी की शिकायत पर एनएचआरसी ने तलब किया। मामले पर एनएचआरसी ने 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने लगाया था बदसुलूकी का आरोप सीएए एनआरसी के खिलाफ। प्रदर्शन में हुई थी बदसुलूकी 27 जनवरी को। एनएचआरसी से प्रियंका ने की थी शिकायत। 27 जनवरी वो तारीख थी एनएचआरसी से प्रियंका की जब शिकायत हुई थी। एनएचआरसी ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। प्रियंका गांधी की शिकायत पर एनएचआरसी ने तलब किया, रिपोर्ट मांगी है, जवाब मांगा है। मामले पर 6 हफ्ते का वक्त दिया है, 6 हफ्ते में जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी ने लगाया था बदसुलूकी का आरोप। थोड़ा पीछे अगर जाएंगे उस तारीख को गौर से देखेंगे तो आरोप लगा था बदसुलूकी का 27 जनवरी को। एनएचआरसी से प्रियंका ने की थी शिकायत बदसुलूकी की। प्रियंका की शिकायत पर मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया गया। प्रियंका गांधी की शिकायत पर एनएचआरसी ने तलब किया है। मामले पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है एनएचआरसी ने। प्रियंका गांधी ने बदसुलूकी का आरोप लगाया था और उस आरोप पर अब तलब किया गया है। गगन मिश्रा जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी गगन। 27 जनवरी को एनएचआरसी से शिकायत और अब डीजीपी और मुख्य सचिव तलब हुए हैं। देखिए बिल्कुल 6 हफ्ते में पूरा मामले की रिपोर्ट मांगी गई है एनआरसी मुख्य सचिव से। प्रियंका गांधी ने पिछले 27 दिसंबर को जो जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की थी, ऐसा की आरोप था प्रियंका गांधी का। फिर लगातार पुलिस जो प्रदर्शन कर रहे हैं सीए के खिलाफ, उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उनके वाहनों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों में घुस के तोड़फोड़ की जा रही है, उसी को लेकर वो एनआरसी मानवाधिकार गई थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार में प्रियंका गांधी की शिकायत का संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है और कहा है कि 6 हफ्तों के अंदर पूरी रिपोर्ट मानवाधिकार तक सौंपी जाए, जिससे आगे अगर कोई कार्रवाई करनी हो और उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में पूरे सूबे में हुए जिस तरह से सीए के विरोध में प्रदर्शन हुए थे, उनको समर्थन कर रही थी और उन्हीं के समर्थन के तहत मानवाधिकार गई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि पुलिस ने काफी बर्बरता दिखाई है उन प्रदर्शनकारियों पर, उन बच्चों पे, महिलाओं पे लाठीचार्ज किया है, जिसके खिलाफ वो प्रियंका गांधी मानवाधिकार गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया गगन इस जानकारी के लिए आप।